दोस्तों नमस्कार। आप जो दोस्तों वीडियो में जो प्लांट्स देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती पौधा है दोस्तों। और ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा जो चंदन का पौधा है दोस्तों, और सफ़ेद चंदन का पौधा है दोस्तों। आप इसे शिव चंदन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, और अधिकांशतः लोग शिव चंदन के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसको आप पहचान सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ किस प्रकार की है। वीडियो में अच्छे से देख लें आप किस प्रकार से इसकी पत्तियाँ है। और दोस्तों अभी इसमें फल नहीं आ रहा, नहीं मैं आपको इसमें फल भी बता देता कि दोस्तों आज मैं आपको चंदन की खेती और चंदन की पहचान किस प्रकार हम चंदन के पेड़ को पहचाने, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगा दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की इसकी पत्तियाँ रहती है। शिव चंदन यानी सफ़ेद चंदन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमारे भारत में चंदन की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है दोस्तों, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और रक्त चंदन। तो दोस्तों अधिकांशतः चंदन की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी कि साउथ बेल्ट में होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी पौधा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो आप ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये सफ़ेद चंदन का है, इसे शिव चंदन भी कहा जाता है। मैं आपको नीचे से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, और आप उसको इसकी पहचान भी अच्छे से कर लें किस प्रकार इसके पत्ते होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप अच्छे से इसको देख लें कि सफ़ेद चंदन का पौधा है दोस्तों। आप अगर मेरा विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों कि ये चंदन का पौधा नहीं है सफ़ेद चंदन का, तो दोस्तों आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये सफ़ेद चंदन का ही प्लांट्स है। तो दोस्तों मैं अगर इसकी खेती से संबंधित बात बता दूं दोस्तों, तो इसकी खेती के लिए हमें सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ये 12 से 15 साल के का हो जाता है, तब इसकी लकड़ी काटने योग्य होती है यानी कि काम का होता है। तब दोस्तों इसमें हमें जो DFO होता है, DFO होता है जिला वन अधिकारी, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, और उनकी देखरेख में ही हम इनकी कटाई कर सकते हैं। और तभी उन वो DFO ही इनकी नीलामी करवाता है, तो उनकी प्रोसेसिंग ऐसी है दोस्तों। तो इसमें अब मैं दोस्तों आपको इनके प्लांटेशन की बात कर दूँ दोस्तों किस प्रकार से इसकी खेती करते हैं और प्लांटेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों तो इसका पौधा हम दोस्तों आराम से नर्सरी में इजी रूप किसी भी नर्सरी में आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। और नहीं तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इसका बीज भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, और इससे ग्रो कर सकते हैं। इसके ग्रो होने का टाइम जुलाई से लेकर दोस्तों सितंबर तक रेनी सीजन में होता है, और उसके बाद आप विंटर सीजन अक्टूबर से और लास्ट फरवरी तक इसको ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी अगर एक प्लांट्स है या नर्सरी से आप परचेज करके लाए हैं, तो उसमें एक साल बाद आप एयर लेयरिंग विधि से भी इसके पौधा बहुत ही आसानी से रेनी सीजन यानी कि बारिश के समय में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अधिकांशतः जो तीनों चंदन है, जैसे शिव चंदन और लाल चंदन और रक्त चंदन, लेकिन दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है क्योंकि इसमें इसकी जो लकड़ी है वो परफ्यूम, सेंट और कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ उनमें भी इसकी लकड़ी काम में आती है, यानी कि इसकी हार्डवुड काम में आती है दोस्तों। और आप इस बात को और इसके छोटे बड़े ढोलक, खिलौने, परफ्यूम, कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ, और दोस्तों आप इस बात को भली बात जानते हैं कि चंदन में शीतलता का गुण पाया जाता है दोस्तों, इसलिए हम अधिकांशतः इसको हमारे जो ललाट है माथे का उसको हम धारण करते हैं, उसको तिलक लगाते हैं दोस्तों। तो उसको लगाने का उद्देश्य भी यही है। कई लोग तो उसको तिलक की बजाय पूर्ण रूप से माथे पर लगाते हैं क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से चंदन की बहुत महत्व है। और आप दोस्तों अगर इसके प्लांटेशन की बात करें, तो प्लांटेशन दोस्तों खेती करने से पहले आप इसका प्लांट्स 30x30 पर पौधे से पौधे की दूरी आप 30x30 रखें, यानी 30 फिट पौधे से पौधे की दूरी 30 फिट और लाइन से लाइन की दूरी 20 फिट, जब भी तभी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा दोस्तों। और ये चंदन का पौधा एक परजीवी पौधा होता है दोस्तों, तो इसमें जब भी हम इसका प्लांटेशन करें तो इसके साथ में एक सपोर्टिंग पौधा ज़रूर लगाए, जिससे क्या है कि उस ये परजीवी पौधा होता है तो ये उसी से ही पोषण ग्रहण करता रहता है, तभी ये सर्वाइव कर पाएगा और अच्छे से विकास कर पाएगा, अन्यथा ये कुछ दिनों बाद लगाने कुछ दिनों बाद ही मर जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से
मैं इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं दोस्तों। और दो तीन साल तक लगातार शुरुआत में ही इसको देख रेख की आवश्यकता होती है, खाद खाद पानी और गुडाई वगैरह की। उसके बाद इसकी देख रेख की आवश्यकता न के बराबर होती है, क्योंकि ये एक तरह से जंगली टाइप का ही पौधा है दोस्तों, तो ये सर्वाइव कर जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जंगल में ही है और इसके कई प्लांट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़मीन है जो वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी मालिक के मालिक है। तो दोस्तों तो उन्होंने शुरुआत में पुराने समय से लगा रखे है, तो यहाँ और देख पा रहे हैं कि सपोर्ट में कई प्रकार के पौधे और भी लग रहे हैं। ये आपको लोकेशन में दिखा देता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से इन्होंने इनके खेत की मेड़ में इसको लगा रखा है दोस्तों। तो आप भी अगर खेत में लगाना चाहें तो आप खेत की मेड़ में लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसकी लकड़ी से दोस्तों 12 से 15 साल के बाद मैच्योर हो जाती है, यानी कि इसकी लकड़ी 12 से 15 साल के बाद ही काम की है, और इससे पहले इसमें ना तो खुशबू आती ना कुछ आता है दोस्तों। तो ये लोग कई लोग इस बार की धारणा बना रखी है कि इसमें सर्प रहते हैं, वो रहते हैं दोस्तों, सिर्फ कहावत ही है, सर्प वगैरह कुछ नहीं रहते दोस्तों। तो मैंने तो सर दोस्तों आज तक इसमें कोई सर्प नहीं देखा, 8 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे आता रहता हूँ। तो कई प्लांट से मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी आप खेती कर सकते हैं 12 से 15 साल में ये मैच्योर। एक छोटा पौधा भी देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये भी चंदन का ही है, सफ़ेद चंदन का, यानी शिव चंदन का दोस्तों। तो अधिकांशतः सफ़ेद चंदन का ज़्यादा यूज़ है, लाल चंदन को हम यूज़ लेते हैं, लेकिन उसको बहुत कम यूज़ है तिलक वगैरह लगाने में और शीतल तप आयुर्वेदिक गुणों में, लेकिन इसका कुछ इसके खिलौने बनते हैं। तो इस प्रकार से इसके ज़्यादा उपयोग है और बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों। इसमें कोई विशेष देख रेख की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसको कोई रोग लगता है, ना कोई इसमें कीटनाशक की जरूरत है, ना कोई ज़्यादा खाद बीज की, अब अच्छे सर्वाइव कर जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये खेत की मेड़ पर लगा हुआ है और ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, कहीं आप लगा रखे हैं अलग अलग जो खेत के मालिक उन्होंने तो पुराने समय से, तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और अच्छे से पहचान मैं आपको करवाता हूँ दोस्तों इस प्रकार। अभी इन्हें फल नहीं आ रहे दोस्तों, मैं आपको फल भी दिखा देता, इनमें जो फल का समय है दोस्तों, तो अभी मई के बाद इसमें फल लगते हैं, और इसके फल शुरुआत में तो छोटे छोटे रहते हैं और वो हरे रंग के रहते हैं, लेकिन पकने पर ही लाल रंग के हो जाते हैं। और इसका बीज अब आराम से आसानी से फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आराम से उपलब्ध हो जाता है, और इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि इसका बीज उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका प्लांटेशन आराम से, अभी मैं एक बार फिर दोबारा देता हूँ जानकारी को दोस्तों, कि इसका प्लांटेशन 30x30 पर और इसकी कर सकते हैं। इसके मिट्टी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये चिकनी मिट्टी को छोड़कर सारी मिट्टी है, जब कोई भी रंग की हो उसमें आसानी से ये सर्वाइव कर जाता है, और आसानी से ये बहुत अच्छा विकास करता है दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल भराव ना हो, यानी जब लंबे समय तक पानी ने ठहराव नहीं हो दोस्तों। इसके अलावा इसमें कोई विशेष जलवायु या विशेष कोई मिट्टी और टेम्परेचर की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें टेम्परेचर है जो आप ये 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर पहुँच जाता है वहाँ भी सर्वाइव कर लेता है दोस्तों। तो एक प्रकार का एक जंगली पौधा है, जैसे जंगली पौधों हर हाल में जी पाते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों एक जंगली प्रकार का पौधा है। और आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने लगा रखा है, खेत के मालिक ने उन्होंने में इसकी लकड़ी कुछ काट भी रखी है, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो और ये साइड से इसकी जो ब्रांच है वो ऊपर जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से 12 से 15 साल में ये मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हमें जो DFO होता है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही उसको काट सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो आराम से बहुत इजी तरीका से इसकी हम चंदन खेती कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें हमें एक बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज लगा दिए दोस्तों हमने और अगली दो तीन साल में या एक या पाँच साल में इससे जो हमें कमाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसमें 10 से 15 साल और अगर अच्छे से मेहनत करें दोस्तों 12 साल में भी इसकी लकड़ी काम की हो जाती है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसकी जो जड़ होती है उसमें से तेल निकलता है, तो उसका भी बहुत यूज़ है दोस्तों। और इसकी लकड़ी वगैरह है तो मैंने आपको बता ही दिया कि खिलौने बनाने में, ढोलक बनाने में, और भी कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनमें इसका यूज होता है, चवन प्रकाश वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है चंदन का, आप देख तो इसलिए। और शीतलता गुण इसमें पाया जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको इसमें लगभग मेरे हिसाब से मुझे जितना ज्ञान था दोस्तों, तो मैंने इतना लगभग उसमें बता दिया दोस्तों। और इसकी पहचान अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चंदन की खेती आप आसानी से कहीं भी किसी भारत के पूरे स्टेट में किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष देख रेख आप सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं और एक प्लांट्स और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये पुराने समय से तो और भी ये देख पा रहे हैं आप अच्छे से। और इसमें शायद हाँ दोस्तों इसमें फल भी आने लग गए हैं, और मैं आप देख
मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे से दोस्तों, ये फल भी है इसके, अब हरे रंग पे है, धीरे धीरे ये थोड़े बड़े साइज में बड़े हो जाएंगे, उसके बाद ये लास्ट में लाल रंग के हो जाएंगे दोस्तों। तो फिर इसका इनमें अंदर बीज निकलता है, उससे हम आसानी से उनको थोड़ा सुखो के और आसानी से पौधा तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद प्लांटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक पौधा ये भी है, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पौधे सर दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मेड़ में लगा रखे हैं पुराने समय से। तो आप देख पा रहे हैं ये भी चंदन का ही, सफ़ेद चंदन का ही प्लांट्स है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। आप इसकी पत्तियाँ भी देख ले और आराम से गूगल सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि चंदन का पेड़ है नहीं और मैं किसी और का पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं कमाई करूँ या मेरे को अर्निंग या किसी को गलत जानकारी देना है दोस्तों। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आप तक एक अच्छी जानकारी और ट्रू यानी सत्य जानकारी पहुँचाना है दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी लाभान्वित हो और लोगों को आप शिक्षित करें इस चीज़, इसकी खेती के बारे में, उसकी पहचान के बारे में। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ दोस्तों। तो ये थी एक चंदन की खेती और इसके बारे में विस्तृत जानकारी एक ही वीडियो में दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये प्लांट्स गर्म, अब ये लास्ट अप्रैल चल रहा है, यानी कि मई शुरू होने में ही दोस्तों। तो आप इसकी वो देख सकते हैं, इसकी पत्तों की चमक देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल ग्रीन है दोस्तों। तो और यहाँ पर देख पा रहे हैं आसपास कहीं भी कोई इन्होंने कोई पानी की व्यवस्था या कोई, आप देख पा रहे हैं ना, कोई खाद वगैरह है कुछ नहीं रखा, क्योंकि दोस्तों इसमें शुरुआत में 2-3 साल में ही इसको आवश्यकता होती है पानी की और खाद वगैरह की, बाद में तो ये सर्वाइव कर लेता है दोस्तों और पौधों से भी ग्रहण कर लेता है क्योंकि परजीवी पौधा है। तो दोस्तों ये थी एक चंदन की खेती पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें मेरे, और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो संबंधित आपके कोई सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों आपके सवालों के जवाब देने के। तब तक के लिए नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।